सन 1674 जब पूरे भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य फैल चुका था, जिसका नेतृत्व इस वक्त औरंगजेब के हाथों में था। यह समय भारतीय संस्कृति और धर्म के आधार पर एक संघर्षपूर्ण दौर रहा। भारतीय हिंदू पर जजिया कर लगाया गया, जहां हिंदुओं को अपना धर्म पालन करने के लिए उन पर टैक्स लगाया जाता था, और इस समय राजनीतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से ऑलमोस्ट पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य तथा इस्लामिक व्यवस्था अपने चरम पे थी। मगर उसी वक्त पश्चिमी दक्खन पठार से एक योद्धा समूह निकल के आते हैं, जिनका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे, जो कि आगे चलकर भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं और भारत के अधिकांश भाग पर अपना साम्राज्य विस्तार कर भारत में मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बने और एक हिंदू स्वराज्य स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यह जाना कि कैसे बाबर ने लोदी डायनेस्टी को खत्म कर मुगल डायनेस्टी की नींव रखी और फिर उसके बाद राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को खांडवा के युद्ध में परास्त कर और अफगान के साथ ईस्टर्न भारत में संधि कर बाबर पूरी तरह से भारत में दिल्ली सल्तनत पे बैठ जाता है। मगर कुछ अपवादों के कारण सन 1530 ईस्वी में उसे फिर से काबुल वापस लौटना पड़ा और काबुल जाते वक्त ही उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। लेकिन जल्द ही दक्षिण बिहार के शासक शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त कर दिल्ली के सल्तनत पे बैठ जाता है। मगर कुछ ही दिनों में शेरशाह के मृत्यु के बाद हुमायूं ने फिर से दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया और फिर हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जो कि 1556 ईस्वी में महज 13 वर्ष की आयु में गद्दी संभालता है, जो कि बाद में जाकर एक महान शासक साबित हुआ। और अकबर का शासनकाल अंत होते होते भारत में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, जिसका कि प्रमुख श्रेय अकबर को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष को एक कर एक शक्तिशाली और मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया। और अकबर एक लोकप्रिय शासक रहा, जिनके शासनकाल में 24% सरकारी पद पर हिंदू अधिनियुक्त किए गए थे, जो कि मान सिंह बंगाल के गवर्नर रहे, जो कि किसी भी हिंदू के लिए मुगल काल में एक सर्वश्रेष्ठ पद था। और इन्होंने राजपूतों से संधि कर अपने सैनिक में कई राजपूत को भर्ती किए और इन्होंने तकरीबन 55 वर्ष तक शासन किया। और इनके बाद मुगल सल्तनत के अगले उत्तराधिकारी जहांगीर और हुमायूं बने और शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि आज के मॉडर्न युग में 7 वंडर्स में गिना जाता है। और फिर इनके बाद मुगल साम्राज्य के छठा शासक मुहीउद्दीन मोहम्मद, जो कि औरंगजेब या फिर आलमगीर नाम से भी जाना जाता था। मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने शाहजादे औरंगजेब को महज 16 वर्ष की आयु में सन 1634 ईस्वी में दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए और फिर औरंगजेब महाराष्ट्र के खरकी में गया, जिसका नाम बदलकर बाद में औरंगाबाद कर दिया गया। और फिर सन 1644 ईस्वी में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई और इसे देख 3 हफ्तों बाद औरंगजेब आगरा चला जाता है। औरंगजेब को लौटते देख शाहजहां को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार से निलंबित कर दिया। और फिर औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार में किसी को नहीं दिखा। मगर बाद में शाहजहां ने ही औरंगजेब को गुजरात के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और यहां पर औरंगजेब के अच्छे शासन को देखते हुए बाद में शाहजहां ने औरंगजेब को उत्तरी अफगान और उज्बेक अफगान क्षेत्र का सूबेदार बना दिया। मगर इस दौरान औरंगजेब फारस के सफाविद के साथ कई युद्ध लड़े ताकि वो कांधार पे अपना नियंत्रण ले सके, मगर पराजय के अलावा औरंगजेब को और कुछ नहीं मिला। और इसी को देखते हुए फिर से शाहजहां ने औरंगजेब को 1652 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार बना दिया और फिर गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध युद्ध में निर्णायक क्षण पे शाहजहां ने अपनी सेना वापस बुला ली, जिसे देख औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची। और कहा जाता है शाहजहां ने औरंगजेब के भाई दारा सिकोह के कहने पर ही ऐसा किया। और फिर सन 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसका अंत निकट ही दिख रहा था। ऐसे सिचुएशन में उनके बेटे दारा सिकोह शाह सुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हो गया
और इसी बीच शाह शुजा खुद को बंगाल का गवर्नर घोषित कर देता है और अपने बचाव में बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पहुंच गया। तो वही सन 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में ही बंदी बना लिया और खुद को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित कर दिया और फिर अपने भाई दारा सिंह सिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी की सजा सुना दी और फिर सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब को दिल्ली सल्तनत का ताज पहनाया गया। और दोस्तों औरंगजेब के शासक बनते ही शुरुआती दिनों से ही आंतरिक विरोध होना शुरू हो गया था, तो वहीं पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में भी बढ़ोतरी हो रही थी, तो वहीं दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर के तरफ एक नई शक्ति मराठा उभर के आने लग गई जिसका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे और उन्होंने पूरी तरह से औरंगजेब के नाक में दम करके रखा था। और यहीं से हमें मराठा साम्राज्य सन 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में अस्तित्व में आता है। मराठे एक मराठी वर्तमान महाराष्ट्र के पश्चिम दखन पठार से एक योद्धा समूह है जिन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना कर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे अब पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए, जिन्होंने कि आदिलशाही वंश के खिलाफ विद्रोह किया और फिर अपनी राजधानी रायगढ़ के साथ हिंदू स्वराज्य का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी फोर्ट में हुआ और उनके पिता शाहजी राजे एक शक्तिशाली सामंत राजा थे और उनकी माता जीजाबाई जाधव राव एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था जो कि वह अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहते थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर उनके माता पिता का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने राजनीतिक और युद्ध की शिक्षा ली थी और वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली भांति समझना शुरू कर दिए थे और अब उनके मन में स्वाधीनता की लौ जलनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ अपना एक संगठन बनाया। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमण के दौर से गुजर रहा था और ऐसे सिचुएशन में सुल्तान की सेवा के बदले शिवाजी महाराज मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश जो कि पश्चिम घाट से जुड़ा है और यही कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रदेश में मराठा और सभी जातियों के लोग रहते थे और ये संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण एक कुशल योद्धा भी थे। और फिर शिवाजी महाराज इन मावलो युवक के साथ फोर्ट निर्माण कार्य शुरू कर दिए, मगर इसी सब चीज को देखते हुए बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से फोर्ट से अपनी आर्मी हटाकर उन्हें स्थानीय शासक या फिर सामंतों के हाथों सौंप दिया। और फिर जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में पूरी तरह से अराजकता फैल गई और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए शिवाजी महाराज ने बीजापुर जाने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने फोर्ट्स जीतने का नीति अपनाए, जहां शिवाजी महाराज ने सबसे पहले रोहिदोस्वर फोर्ट पर अपना अधिकार जमाया। और इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनुशासित सेना एवं संगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन का निर्माण किया। और इसी के साथ साथ शिवाजी महाराज ने कई सारे युद्ध नीति इंट्रोड्यूस किए, जहां उन्होंने छापेमार युद्ध नीति जैसे कई सारे शैली विकसित किए। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फिर मराठी एवं संस्कृत को राजकीय भाषा बनाया। शिवाजी महाराज का विवाह 16 मई 1640 ईस्वी में सई भोसले के साथ पुणे में हुआ। सई भोसले जो कि शिवाजी महाराज की पहली और प्रमुख पत्नी थी और वे अपने पति की उत्तराधिकारी संभाजी की मां थी। शिवाजी महाराज ने कुल 8 विवाह किए थे जिन्होंने की वैवाहिक राजनीतिक के जरिए सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे रखने में सफल रहे। और फिलहाल बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज के इस छापेमार युद्ध नीति के कारण पूरे आक्रोश में आ चुका था, इसीलिए सुल्तान ने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया। और उस वक्त शाहजी राजे कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक घोरपड़े के द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए और फिर बीजापुर के दो सरदारों के विचार के बाद उन्हें इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वो शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। इसी कारण अगले 4 सालों के दौरान शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया और इस दौरान अपनी सेना को सुसंगठित कर और शक्तिशाली बनाने का काम किया। तो वहीं एक तरफ पूरी उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित कर औरंगजेब का ध्यान अब दक्षिण की तरफ आ गया और यह समय आते आते औरंगजेब भी शिवाजी महाराज के बढ़ती पॉपुलैरिटी से अवगत हो चुका था, इसीलिए औरंगजेब ने शिवाजी महाराज पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। और फिर शाइस्ता खां ने अपने 1.5 लाख फौज लेकर
चुपन और चाकन फोर्ट पर अधिकार कर सीधे पूना पहुंच गया और फिर वहां उसने 3 सालों तक लगातार मावल प्रदेश में लूटमार की। और एक रात मौका देखते ही शिवाजी महाराज ने 350 मावलों के साथ साइस्ता खां पे हमला बोल दिए। और इस हमले में साइस्ता खां तो खिड़की के रास्ते बच निकला, मगर उसे अपनी इन 4 उंगलियों से हाथ धोनी पड़ी। और इस हमले में साइस्ता खां के पुत्र अब्दुल फतह तथा 40 रक्षकों और अनगणित सैनिक मारे गए। और इस घटना को देखकर औरंगजेब ने साइस्ता खां को वहां से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया और शहजादा मुअज्जम दक्कन के नए सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए। और इस जीत के बाद शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और वो जो 6 साल साइस्ता खां ने अपनी 1.5 लाख फौज के साथ पूरे साम्राज्य को जलाकर तबाह कर दिया था। और इसी चीज का हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी महाराज मुगल के क्षेत्रों पर आक्रमण कर वहां के संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। और उस समय सूरत पश्चिम व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुस्लिमों के लिए हज पर जाने का बस एकमात्र द्वार, क्योंकि सूरत उस वक्त एक समृद्ध नगर था और यहाँ का बंदरगाह भी एक महत्वपूर्ण था। और इसे देख शिवाजी महाराज ने अपने 4000 आर्मी के साथ सन 1664 ईस्वी में 6 दिनों तक लगातार सूरत के व्यापारियों को लूटे। और यह समय आते आते यूरोपीय व्यापारियों ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बसना शुरू कर दिया। और इस वक्त सूरत में शिवाजी महाराज के लूट से परेशान होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयाउद्दीन खां को फौजदार के रूप में नियुक्त किया। और अब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ राजा जयसिंह को नियुक्त किया, जहां राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान तथा यूरोपीय शक्तियों तथा छोटे छोटे सामंतों के सहयोग लेकर शिवाजी महाराज पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा हानि होने लगी। और इसी को देखते हुए जल्द शिवाजी महाराज ने संधि का प्रस्ताव भेजा और फिर जून 1665 में हुए संधि के मुताबिक 23 फोर्ट्स मुगल को देने पड़ेंगे। इस तरह शिवाजी महाराज के पास बस महज 12 फोर्ट ही बचेंगे। वो जो 23 फोर्ट थे उसमें सालाना इनकम 4 लाख हुआ करती थी। और तो और बालाघाट और कोकण के बदले शिवाजी महाराज को 13 किस्तों में 40 लाख अदा करने होंगे और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 5 लाख राजस्व के रूप में देने होंगे। और शिवाजी महाराज स्वयं तो मुगल दरबार में रहने से मुक्त रहेंगे, मगर इनके पुत्र संभाजी महाराज को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। और तो और बीजापुर के खिलाफ भी शिवाजी महाराज को मुगल का साथ देना होगा। और इस प्रस्ताव के साथ शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां शिवाजी महाराज को लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसका क्रोध उन्होंने मुगल के भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया, जिसे देख औरंगजेब पूरी तरह से शॉक हो गया। और उसने फिर शिवाजी महाराज को नजरबंद कर 5000 सैनिकों के साथ पहरा लगा दिए। और फिर कुछ ही दिनों में 18 अगस्त 1666 में औरंगजेब का प्लान था शिवाजी महाराज को मार डालना, मगर अपने अदम्य साहस और सूझबूझ के साथ शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी को लेकर भागने में कामयाब रहे। और फिर 1766 में शिवाजी महाराज ने मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के घर अपने बेटे को छोड़ दिए और फिर शिवाजी महाराज बनारस पूरी होते हुए रायगढ़ पहुँच गए, जिसे देख मराठाओं के हौसले पूरी तरह से फिर से बुलंद हो गए। मगर फिर जसवंत सिंह के पहल के द्वारा सन 1668 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की और फिर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा का मान्यता दिया और औरंगजेब को पुणा, चाकन और आसम डिस्ट्रिक्ट वापस देने पड़े। और इसके महज 2 साल बाद ही सन 1670 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने फिर से सूरत नगर पर हमला बोला, जिससे उन्हें 132 लाख की संपत्ति हाथ लगी। और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को फिर से हराया और अब महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करने का प्लान किया जा रहा है। मगर इधर मुगल्स ने ब्राह्मणों को धमकी दिया है कि जो शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करेगा उसे मार दिया जाएगा। और यह बात जब शिवाजी महाराज तक पहुंची कि मुगल उनको ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं, और शिवाजी महाराज ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा और अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से अपना राज्य अभिषेक करवाएंगे जो राज्य मुगल के अधिकार में है। इसीलिए शिवाजी महाराज के निजी सचिव बालाजी ने काशी में 3 दूत को भेजा, क्योंकि काशी उस समय मुगल के अधिकार में था। जब दूतों के द्वारा यह संदेश काशी में आया तो काशी के ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुए, किंतु मुगल सैनिक को यह बात पता चलने पर उसने ब्राह्मणों को पकड़ लिया और फिर ब्राह्मणों को मुगल सरदार के पास ले जाया गया। मगर ब्राह्मणों ने कहा सरदार के पास कि शिवाजी कौन है, कहां से आया है, हम तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे किसी का राज्य अभिषेक। इस जवाब से खुश होकर मुगल सरदार ने ब्राह्मणों को जाने दिया, मगर आश्चर्यजनक रूप से महज 2 दिन बाद ही ब्राह्मण अपने शिष्य के साथ रायगढ़ पहुंचकर शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक करते हैं।
और इसे सुन औरंगजेब पूरी तरह से खलबला उठा और उसने पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी कि शिवाजी को राजा मानना बंद करो ताकि प्रजा भी इसे ना माने। लेकिन यहाँ पर मुगलों की एक ना चली और फिर शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल की स्थापना किए जिसमें विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया। और तो और शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र शासक की तरह अपना सिक्का चलवाया और अब 1677 ईस्वी में शिवाजी महाराज का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ के क्षेत्र और फिर मैसूर, वलाइडी, त्रिशूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज को धोखे से विष पिलाकर मार डाला गया और उस समय शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी उनके बेटे संभाजी को मिली और दूसरी पत्नी से राजा राम नाम का एक पुत्र था जिसकी उम्र महज उस वक्त 10 वर्ष ही थी। इसीलिए मराठाओं ने संभाजी को अपना राजा मान लिया और उसी समय औरंगजेब शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर सुनकर अपने पूरे भारत में राज्य करने की अभिलाषा से अपनी 5 लाख की फौज लेकर औरंगजेब दक्षिण भारत जीतने निकल पड़ा। और फिर औरंगजेब दक्षिण में आते ही आदिल शाही जिनको 2 दिनों में और कुतुब शाही 1 दिन में खत्म कर दिया। मगर मराठाओं ने राजा संभाजी के नेतृत्व में 9 सालों तक लगातार युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी और उसी समय औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर उसे राजा संभाजी महाराज ने अपनी शरण दी। और इसे देखकर औरंगजेब और भी ज्यादा ताकत के साथ राजा संभाजी के खिलाफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस दौरान संभाजी महाराज ने 210 युद्ध किए जिनमें से उनकी एक भी हार नहीं हुई और कहा जाता है उनके आक्रमण से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी जब तक कि वो संभाजी महाराज को पकड़ न ले तब तक वो अपना ताज सिर पर नहीं चढ़ाएगा। और फिर सन 1689 ईस्वी में पुर्तगालियों से युद्ध करते वक्त संभाजी महाराज ने उन्हें पराजित किया और इसी समय कुछ राजकीय कारण वो संगमेश्वर में थे और जिस दिन वो अपने घर रायगढ़ के लिए निकलने वाले ही थे उसी दिन ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। इस कारण संभाजी महाराज ने अपने साथ 200 सैनिक रख बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। और उस समय संभाजी महाराज अपने साले के एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे मगर उसी वक्त मुगल सरदार मुकर खां के साथ गुप्त रास्ते के साथ 5000 फौज लेकर पहुंच गया और यह वो रास्ता था जो कि सिर्फ मराठों को ही पता था। इसीलिए संभाजी महाराज ने कभी सोचा नहीं था कि शत्रु यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे और उन्होंने फिर लड़ने का भी प्रयास किया किंतु इतने बड़े फौज के सामने महज 200 सैनिक ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाई और संभाजी महाराज यहाँ बंदी बना लिए गए। और संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने आता है और फिर औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया और संभाजी महाराज नहीं झुके। और फिर औरंगजेब ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ संभाजी महाराज के दोनों हाथ और जुबान काट दिया। और फिर 11 मार्च 1689 में हिंदू नववर्ष के दिन संभाजी महाराज के शरीर को औरंगजेब ने टुकड़ों में काट दिया और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। और कहते हैं कि हत्या से पहले औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कहा, यदि मेरे 4 पुत्रों में कोई एक भी तुम्हारे जैसा होता तो कब का सारा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत में समा गया होता। और इसके बाद शिवाजी महाराज के दूसरी पत्नी का बेटा राजा राम प्रथम मराठा साम्राज्य के गद्दी पर बैठता है जिन्होंने 11 साल तक शासन किया और इस वक्त तक दक्षिण मराठों की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इन्हें दबाने में मुगल को सफलता नहीं मिल रही थी। और औरंगजेब अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष इसी अभियान में लगा रहा मगर उसे सफलता नहीं मिल पाई। और फिर 50 वर्षों तक शासन करने के बाद 3 मार्च सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और इधर औरंगजेब की पॉलिसीज ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। और फिर शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज अपनी चाची छत्रपति महारानी ताराबाई के साथ शाहू महाराज शासक बन गए और बालाजी विश्वनाथ के मदद से खुश होकर शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को और उनके वंशजों को साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। और यह समय मराठा साम्राज्य अपने चरम पे पहुंच चुकी थी जो कि उत्तर में अटक से कटक तक तो पश्चिम में गुजरात से दक्षिण में बंगाल तक फैल चुका था। और फिर बालाजी बाजीराव पेशवा ने मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के लिए सदाशिव राव भाव को दिल्ली भेजते हैं जहां सन 1761 ईस्वी में मराठा सेना ने अफगान दुरानी साम्राज्य के अहमद शाह अफदाली के खिलाफ पानीपत का 3रा युद्ध हार गए जिस कारण कि अफगानिस्तान में इनका साम्राज्य नहीं विस्तार हो पाया। और अब इस बड़े मराठा साम्राज्य को और भी ज़्यादा संगठित करने के लिए मराठा संघ राज्य बनाया गया। और यह वक्त आते आते
मराठा साम्राज्य में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री का पद सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका था और इस समय मराठाओं में सत्ता के लिए आंतरिक लड़ाई उठना भी शुरू हो चुका था, जिस कारण कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में हो रहे पेशवा उत्तराधिकारी संघर्ष में अपना टांग अड़ाने का प्रयास किया, जिस कारण हमें पहला मराठा एंग्लो वार देखने को मिलती है जिसमें मराठाओं की विजय हुई, और फिर दूसरा और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1805 से 1818 तक चली, जिसमें कि मराठाओं की पराजय हो जाने तक मराठा भारत में केंद्र शक्ति बने रहे। मगर सन 1818 ईस्वी में छत्रपति प्रताप राव महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना सत्ता स्थापित करती है, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।